अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। देखिए, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, एक कटोरी चने की दाल ली है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। मसाले में यहाँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा और एक चम्मच नमक लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक काट लिया है, हरा धनिया को हमने बारीक काट लिया है। एक कुकर में हमने कीमा डाल दिया है, अब इसमें चने की दाल डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, कुकर हमने रख दिया है, अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 4 से 5 सीटी होने तक का पकाएंगे। 5 सीटी हो गई है, अब हम कुकर को खोल लेंगे। देखिए, चने की दाल हमारी अच्छे से गल गई है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मिक्सर में पीस लेंगे बारीक। अब कीमे को हम जार में डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। कीमे को मैंने बारीक पीस लिया है और इसमें कटी हुई प्याज और कोथमीर डाल देंगे। नमक थोड़ा यहाँ पे कम लग रहा है तो इसमें आधा चम्मच हम नमक भी डाल देंगे। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा सा हम हाथों पे तेल लगाएंगे और इसको हम शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से हमको शेप देना है। इस सारे कबाब को हम ऐसे शेप देके साइड में रख लेंगे। जो कबाब को हमने ऐसे शेप दे दिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तवे को भी हमने गरम कर लिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम कबाब डाल देंगे। इसे नॉन स्टिक में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तवे में इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि तेल भी हमारा गरम हो गया है। एक एक करके हम इसमें कबाब डाल देंगे और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। देखिए, एक साइड से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये कबाब हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए गाइस, हमारा शामी कबाब बनके रेडी है। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।